आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल भी अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की जीत के बाद टीम इंडिया किस नंबर पर आ गई है। नंबर 10 अफगानिस्तान। आज की हार के बाद अफगानिस्तान की टीम टेबल के आखिरी पायदान पर आ गई है, जिसने अब दो मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों मुकाबलों में हार के साथ ही कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 9 श्रीलंका। श्रीलंका की टीम टेबल के 9वें पायदान पर है। इन्होंने भी अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है और अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सके। नंबर 8 नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स की टीम टेबल के 8वें पायदान पर है। इन्होंने भी अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना करते हुए अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सके। नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम टेबल के 7वें पायदान पर है। इन्होंने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में हार के साथ ही कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सके। नंबर 6 बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम टेबल के 6ठे पायदान पर है। इन्होंने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार के साथ ही दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 5 इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम टेबल के 5वें पायदान पर है। इन्होंने भी अब तक दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में जीत, एक मुकाबले में हार के साथ ही दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 4 साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम टेबल के 4थे पायदान पर है। इन्होंने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में जीत के साथ ही दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम टेबल के 3रे पायदान पर है। इन्होंने अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में जीत के साथ ही 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 2 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम टेबल के 2रे नंबर पर है। इन्होंने भी अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में जीत के साथ ही 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 1 टीम इंडिया। आज की बड़ी जीत के साथ ही टीम इंडिया टेबल के पहले पायदान पर आ गई है। इन्होंने अब दो मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों में शानदार जीत के साथ ही 4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं।